हेलो गाइस, वेलकम टू GYS। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट रिसेंटली इनॉग्रेटेड 3 की प्रोजेक्ट्स इन गुजरात बाय PM मोदी। ये आर्टिकल आपको PIB ऐप में पढ़ने को मिल रहा है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप PIB ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। सो इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्क्रॉल डाउन न्यूज़ थ्रू आउट द डे रेदर देन पिक्स ऑन इंस्टाग्राम। ये 3 की प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। वन ऑफ दैम इज़ किसान सूर्योदय योजना फॉर फार्मर्स ऑफ गुजरात। सेकेंड इज़ अबाउट पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल एंड UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। इनके स्पेशलिटी के बारे में भी हम जानेंगे। थर्ड वन इज़ अबाउट रोपवे एट गिरनार इन गुजरात। सो हाउ दिस रोपवे इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द लोकल पीपल, ये भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। PM मोदी सेड दैट देयर आर सम स्कीम्स विच आर बींग इम्प्लीमेंटेड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ गुजरात फार्मर्स। दीज आर सुजलाम सुफलाम सोनी स्कीम, किसान सूर्योदय योजना, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, द राइज ऑफ सन। द नेम ऑफ दिस स्कीम, ये जो नाम है किसान सूर्योदय योजना, इस स्कीम के अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस स्कीम के बारे में सुजलाम सुफलाम एंड सोनी स्कीम एंड किसान सूर्योदय योजना आर मीटिंग द नीड्स ऑफ गुजरात फार्मर्स। लेट अस टॉक हाउ। He also said that India is showing the world the path for one soil, one world and one grid. He said that nobody could have imagined that India has generated so much capacity for the solar energy that one day it would initiate the project of one soil, one world and one grid. One sun, one world and one grid is the initiative of Ministry of New and Renewable Energy. इसके तहत थ्रू दिस स्कीम वी विल बिल्ड इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसके तहत हम जो कंट्रीज़ हैं, जो सोलर रिच कंट्रीज़ हैं, जो सोलर पावर जनरेट करती हैं, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। वी विल कनेक्ट सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू ईच अदर। वाई? इफ़ देयर इज़ अ deficit in any country of the world which is facing the shortage issues, now the country which has surplus in solar capacity can transfer the required energy to the deficit country. एक दूसरे की मदद हम सोलर कैपेसिटी में इसके अंदर कर सकते हैं। वन सन वन वन एंड वन ग्रिड में हम कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। वी विल नॉट बिल्ड एनी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। We will just connect the existing infrastructure through the solar producing countries beyond the borders, beyond the boundaries. एक जो कंट्री है जो आपस में उन एक दूसरे के साथ इसके तहत कनेक्ट होंगी, पावर सप्लाई को आपस में हेल्प करेंगी if there is any shortage, और इस इनिशिएटिव को वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर भी लिया गया है। इट हैज़ बीन टेकन अप अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड बैंक। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्कीम लाइज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज इट एम्स टू कनेक्ट द सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थ्रू ईच अदर। ये इम्प्लीमेंट करना बेहद मुश्किल होगा और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, PM मोदी ऑल्सो सेड दैट वी हैव नाउ रीच्ड 5th पोजिशन इन द वर्ल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इन सोलर पावर एंड एडवांसिंग फास्ट। दैट्स वाई वी लॉन्च्ड वन सन वर्ल्ड वन वन ग्रिड ना, बिकॉज वी हैव द कैपेसिटी, वी आर ग्रोइंग फास्टली। ओके, ये स्कीम अब कैसे हेल्प करेगी किसानों को, ये भी जान लेते हैं। किसान सूर्योदय योजना, सूर्य प्लस उदय, द राइज ऑफ सन। बेसिकली फार्मर्स इन अवर कंट्री फेस शॉर्टेजेस इश्यूज
for irrigating their fields. And the farmers of our country got power for irrigation in the night only. Basically, they wake up at midnight and they wake up all night and they irrigate their fields. रात में उनको उठना पड़ता है, पूरी रात को उनके फील्ड में इरिगेशन उनको करनी पड़ती है. दिस क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक दे हैव टू फेस वाइल्ड एनिमल्स एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर हेल्थ एज वेल, स्पेशली इन विंटर्स. इस स्कीम, इस योजना के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस योजना, दिस स्कीम, फार्मर विल गेट 3-phase पावर सप्लाई फ्रॉम 5 AM टू 9 PM. सुबह 5 बजे से 9 बजे तक इसमें किसानों को 3-phase की पावर सप्लाई मिल जाएगी, विट विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू देयर लाइफ्स. अच्छा, यू कैन यूज दिस पॉइंट्स, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, लाइक पावर शॉर्टेज, दे हैव टू वेक अप ऑल नाइट, दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. यू कैन मैंशन ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन द आंसर्स ऑफ द मेन्स क्वेश्चंस. जो भी मीन्स में आपसे पूछा जा रहा है खेती के बारे में, तो उसमें प्रॉब्लम्स में इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं. साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो मेंशन ऑल दिस स्कीम्स, लाइक किसान सूर्योदय योजना एंड सुजलाम सुफलाम योजना विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन गुजरात, बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ गुजरात एज वेल. और मोदी जी ने क्या कहा? अच्छा, मोदी जी ने ये कहा कि वी आर हेल्पिंग फार्मर्स थ्रू सेवरल इनिशिएटिव्स. One of them is FPOs. What is FPO? Farmer Producing Organization. ये Farmer Producing Organization क्या होता है? FPO is nothing just a producer organization. यहाँ पे बहुत सारे farmers इकट्ठा होते हैं. The farmers are the members. They provide support to each other. They collectively work towards the upliftment of each other, especially for small landless farmers. एक दूसरे की मदद करते हैं वो, ताकि दे कैन गेट बेटर असेस टू टेक्नोलॉजी, इनपुट, फाइनेंस एंड मार्केट. एकता में ही शक्ति वाली बात हो गई ना, कि वी विल वर्क टुगेदर, हेल्प टुगेदर एंड अर्न टुगेदर एंड लर्न टुगेदर. फॉर प्लिम्स ऑब्जेक्टिव यू हैव टू रिमेंबर दैट द फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन आर बींग प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट थ्रू स्मॉल फार्मर्स एग्रो बिजनेस कंसोर्टियम. Let me repeat it. Small Farmers Agribusiness Consortium. Small Farmers Agribusiness Consortium is promoting FPOs. एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए, दैट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू डेडिकेटेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर दोज स्कीम्स विच आर बीइंग फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द नेम ऑफ द स्कीम इज फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोशन एंड फॉर्मेशन के लिए जो स्कीम आई है, इट हैज़ ए क्लियर स्ट्रेटेजी. बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन्होंने अपनी जो है स्ट्रेटेजी को बताया है, दैट दे वॉन्ट टू फॉर्म एंड प्रमोट 10,000 new FPOs. 10,000 new FPOs विल बी प्रमोटेड फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs स्कीम, विच इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो FPOs आर द प्रमोशन ऑफ FPOs आर वन ऑफ द वेज थ्रू विच गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द फार्मर्स. नीम कोटेड एरिया, इसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है. गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर दिस फर्टिलाइजर्स एज वेल. सोयल हेल्थ कार्ड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर. सोयल हेल्थ कार्ड की चलो बात कर लेते हैं, अगर ये आया ही है तो. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. सोयल हेल्थ कार्ड कुछ नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ प्रिंटेड रिपोर्ट. इसमें न्यूट्रिएंट स्टेटस की इंफॉर्मेशन होती है, 12 न्यूट्रिएंट्स. इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट 12 न्यूट्रिएंट्स. इट कैन इन्फॉर्म द फार्मर्स अबाउट द हेल्प ऑफ देयर सोयल, health of the soil, so that farmer can invest accordingly, can improve accordingly. जो 12 न्यूट्रियट्स है इस रिपोर्ट में जो होते हैं, जिनके बारे में दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट, वो है नाइट्रोजन, फॉस्फरस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यूट्रियट मैंशनड इन दिस रिपोर्ट, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन एंड nothing and magnesium and copper etc. So
दीज आर द 12 न्यूट्रिएंट्स यू कैन, मुझे लगता है कि आपको इस स्कीम के बारे में एक बार गूगल पर सर्च कर लेना जी, ताकि न्यूट्रिएंट के बारे में आपको पता चल सके। एंड इट इज़ वैलिड फॉर 3 years ओनली, दैट फार्मर्स हैव टू रिन्यू दीज द कार्ड द रिपोर्ट इन एट इंटरवल ऑफ एवरी 3 year। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, यू हैव टू रिमेंबर दैट। मोदी जी ने कुसुम योजना के बारे में भी बात की। कुसुम योजना वेरी इंपॉर्टेंट, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। कुसुम योजना डेफिनेटली इट इज अबाउट द सोलर पावर, सो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कुसुम योजना और वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो इनिशिएटिव था, दे बोथ कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यू हैव टू रिमेंबर दैट। कुसुम योजना इज़ फॉर फार्मर्स बट इट डज नॉट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड दैट्स द कैच। यूपीएससी आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप कुसुम योजना के बारे में, आपको पता है फार्मर्स रिलेटेड है, बट द मेन कैच इज दैट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्या करते हैं इस स्कीम के अंदर, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू फार्मर्स टू बिल्ड सोलर फार्म्स सोलर पंप, एंड अगर इफ देयर इज एनी सरप्लस प्रोडक्शन इन द सोलर कैपेसिटी, द फार्मर्स कैन ऑल्सो सोल्ड दैट सरप्लस कैपेसिटी टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम एडिशनल इनकम। जो है इलेक्ट्रिसिटी सोलर कैपेसिटी से जो बन रही है वो तो यूज कर लो आप, फार्मर्स कैन यूज द कैपेसिटी विच वॉज प्रोड्यूस्ड थ्रू द सोलर पंप्स, एंड इट कैन ऑल्सो सेल द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस कैपेसिटी टू द ग्रिड थ्रू सोलर प्लांट्स। तो जो आपके यूज में आ रही है वो यूज़ में ले लो, जो सरप्लस है वो बेच लो, बेचे तो पैसा मिल जाएगा। इट इसका एक टारगेट है, इट हैज़ अ टारगेट दैट इट विल सेटअप 25,750 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बाई 2022 टू पावर इरीगेशन पम्प्स। प्लीज़ रिमेंबर दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स। 25,750 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बाई 2022 इन दिस कुसुम योजना, इन दिस कुसुम योजना। इट कॉस्ट अराउंड 24,422 करोड़, 34,000 करोड़ की यहाँ पर लागत इसमें आ रही है। तो ये स्कीम का मेंशन आप डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर में कर सकते हैं, यू कैन मेंशन दिस स्कीम्स इन योर मेंस आंसर बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये जो प्रॉब्लम्स मैंने जो बताई एंड द स्कीम्स विच आर टॉकिंग अबाउट कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर आंसर्स। मोदी जी ने ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विच वॉज बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर एंड वाटर ग्रिड्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। एंड ओके, अब बात करते हैं यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर जो अभी खुला है। द स्पेशलिटी अबाउट दिस रिसर्च सेंटर इज दैट द इंस्टीट्यूट इज दैट इट हैज़ अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी विच विल मेक इट एज द इंडियाज लार्जेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल। जब भी क्वेश्चन में हेल्थ की बात आए, वेन एवर द क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द हेल्थ और हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन मेंशन दिस इनिशिएटिव। जब भी क्वेश्चन में हेल्थ वगैरह की बात है तो इस इनिशिएटिव को आप मेंशन कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल रिसेंटली इनोग्रेटेड इन गुजरात, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर। बड़ी बात है ना ये, इंडियाज लार्जेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल है, छोटा मोटा तो है नहीं। Also, PM Modi talked about that how the people of Gujarat have received free treatment from the Ayushman Bharat scheme and Jan Oshdhi Kendras as well. अब ये Jan Oshdhi Kendra scheme is very important for the prelims objective because the Jan Oshdhi Kendras are set up through the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Oshdhi Pariyojana. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रास आर बीइंग सेटअप। इस कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्माटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माटिकल्स ने इस कैंपेन को लॉन्च किया विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है,
एक तो आप डिपार्टमेंट का नाम याद रखेंगे, सेकंड यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री. द एम ऑफ द स्कीम इज टू सेट अप जनौषधि केंद्रास. द एम ऑफ द जनौषधि केंद्रास इज टू सेल जेनरिक ड्रग्स विच आर अवेलेबल एट लेसर प्राइसेस देन ब्रांडेड ड्रग्स बट दे आर इक्वलेंट इन क्वालिटी. जेनरिक ड्रग्स ब्रांडेड ड्रग्स से सस्ते होते हैं बट क्वालिटी में दोनों इक्वल होते हैं. अब आप बोलोगे क्वालिटी में इक्वल होते हैं तो फिर सरकार सस्ते में बेच रही है, सरकार लॉस ले रही है ना. नहीं देखो, जेनरिक जो मेडिसिंस होती हैं बेसिकली दे आर द ब्रांडेड मेडिसिंस बट दे आर दी वो मेडिसिंस होती है जिनका पेटेंट का पीरियड ख़त्म हो चुका है. द पेटेंट पीरियड ऑफ द ब्रांडेड स्कीम हैज़ बीन एक्सपायर्ड, नाउ इट कैन बी कॉल्ड एज जेनरिक मेडिसिन. क्वालिटी वही होती है, क्वालिटी सेम इन बोथ द जेनरिक ड्रग एंड ब्रांडेड ड्रग्स बट एज द पेटेंट पीरियड इज एक्सपायर्ड नाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनीबडी. सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द जेनरिक ड्रग्स विच आर लो कॉस्ट मेडिसिन थ्रू जन औषधि केंद्रास. एनीबडी, आप और मैं कहीं भी जाके इस जन औषधि केंद्र में इसको बाय कर सकते हैं एंड मैनी पीपल आर ऑलरेडी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस केंद्रास. अब हमारे लिए थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पीएम सेड गिरनार माउंटेन इन गुजरात इज द बोर्ड ऑफ माँ अम्बे. सो प्लीज़ फॉर द सेक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर प्लीज़ रिमेंबर दैट गिरनार माउंटेन हैज़ पीक्स लाइक गोरखनाथ पीक, गुरु दत्तेय पीक एंड अ जैन टेम्पल. जैन टेम्पल के बारे में आपने पहले से सुन रखा होगा. सो हुआ क्या है, पीएम मोदी हैज़ इनोग्रेटेड वर्ल्ड क्लास रोप वे जो लॉन्ग डिस्टेंसेज में जो पहाड़ होते हैं उससे टू कट द लॉन्ग डिस्टेंसेज द रोप वे इज बीइंग बिल्ट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कैन कम हेयर एंड कंट्रीब्यूट टू द लोकल टूरिज्म. इट विल ऑल्सो बेनिफिट टूरिस्ट्स, लोकल पीपल, बिजनेसेस एंड मैनी मोर सच बेनिफिट्स विल बी एक्रूड टू द लोकल्स ऑल्सो. और मोदी जी ने कहा कि शिवराजपुर बीच भी है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है एंड देयर इज ऑल्सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. दी बोथ दी साइट्स प्रोवाइड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लोकल्स. अब वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन अबाउट टूरिज्म इन इंडिया, और टूरिज्म जो है बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ता जा रहा है, द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इज गुड इन इंडिया, तो आई थिंक इस पर क्वेश्चन आ ही सकता है. तो जब भी देर इज अ क्वेश्चन अबाउट टूरिज्म इन इंडिया प्लीज मैंशन सम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन साइट्स एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एज वेल बिकॉज दे कंट्रीब्यूट लॉट टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, सोशल अपॉर्चुनिटीज एंड मच मोर. तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि हाउ मच बेनिफिट्स आर देयर फ्रॉम द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन साइट्स एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE, इसने शुरू किया था इंटरनेशनल. इट वॉज स्टार्टेड बाय फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन बट द टैग इन द कंट्रीज आर गिवन बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज. हमारे देश में द टैग इज बीन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस को मिलता है, दे आर इफ दे आर वेरी क्लीन, हाइजीनिक एंड दे हैव द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लाइक शिवराजपुर बीच विच वॉज मैंशनड बाय द पीएम मोदी इन गुजरात हैज़ गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. इसमें कांकरिया लेक की भी बात हो रही है विच इज़ इन अहमदाबाद. पीएम मोदी सेड दैट देर वॉज अ डे वैन नोबडी यूज टू गो देयर बट नाव 75 लाख पीपल आर विजिटिंग द लेक एंड इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू टू द मैनी पीपल. सो इट इज़ अबाउट रीजनरेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिचार्ज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिनोवेशन ऑफ कोनार लेक्स. तो यू कैन मैंशन द एग्जाम्पल ऑफ कनकरिया लेक इन अहमदाबाद. जब भी क्वेश्चन asks about the water regeneration or water resources or lake innovation, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन examples का use में लिया जा सकता है. अब एक बार फटाफट हम short में पढ़ लेते हैं किस तरीके से. अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि ये जो जन औषधि केंद्रास स्कीम थी which is being set up under the
प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना विच वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। नाउ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम इज ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये खुद भी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर है। द बीपीपीआई वी आर टॉकिंग अबाउट, बीपीपीआई ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, ये खुद, दिस एजेंसी इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड द स्कीम इज ऑल्सो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, बट द स्कीम जनौषधि केंद्र स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाई दिस बीपीपीआई, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, बीपीपीआई। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। आगे चलते हम, हाँ, द स्कीम किसान सूर्योदय योजना विल प्रोवाइड पावर सप्लाई फ्रॉम 5 AM टू 9 AM टू गुजरात फार्मर्स। इट कॉस्टेड अराउंड 35 crore रुपीज एंड इट विल बिल्ड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस स्कीम थ्रू बाय 2023 तक इसमें ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की कोशिश की जाएगी। इस हॉस्पिटल की भी बात कर रहे थे हम, हार्ट हॉस्पिटल जो है पेडियाट्रिक और यून मेहता इंस्टीट्यूट, हमने पढ़ लिया है कि इट विल बी द वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन बिल्ट एंड इट विल बिकम बिगेस्ट सिंगल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक इंस्टीट्यूट इन द कंट्री और सिंगल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड। ये कितने सारी चीज़ें आपके प्रिलिम्स के लिए यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। ऑल दिस स्कीम्स, ऑल दिस इनिशिएटिव्स यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उस पर आप मेंशन कर सकते हैं। इफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, देन यू कैन डेफिनेटली मेंशन दिस इनिशिएटिव्स एज वेल। आपको आराम से इसमें मेंशन कर सकते हैं, आपको यू विल फेच ग्रेट मार्क्स थ्रू दिस स्कीम्स। और साथ में यू कैन ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ पीएम मोदी। गिरनार रोपवे की बात करें तो हमने बात कर ली है कि इट विल कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द लोकल पीपल बाय इंक्रीजिंग टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो आपको याद रखना है, एक तो गिरनार रोपवे इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में है ये गिरनार रोपवे और इट विल कंट्रीब्यूट लोड टू द टूरिज्म इंडस्ट्री देयर। चलिए आज के लिए इतना ही, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप सबको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बोला, प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। प्लीज़ राइट डाउन वट एवर आई सेड इन दिस वीडियो सो दैट इट कैन हेल्प यू इन प्रीलिम्स एंड द मेंस एज वेल, ताकि आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में इसका उपयोग होए और दोनों में आपको हेल्प मिले। तो इस तरीके से इफ यू हैव रेड एनी स्पीच ऑफ द पीएम, यू कैन सेग्रीगेट दोज सेक्शंस विच कैन हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। जैसे कुछ इनिशिएटिव्स हो गए, इफ देयर आर एनी स्कीम्स विच इज बिंग मैंशनड और देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ द एनी सेक्शन और कमिटी, तो ये सब चीज़ें आप मेन्स में लिख सकते हैं। मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। गुड बाय गाइज, हाउ इज द वीडियो, प्लीज़ कमेंट